जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने बायोलॉजी से एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, जिस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल के यानी कि जंतु कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एनिमल सेल के चारों ओर यानी कि जंतु कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, क्लोथिन की जैसी एक पतली झिल्ली पाई जाती है। उस पतली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जंतु कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिस पतली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली जो है, यहाँ मैंने लिखा है कोशिका झिल्ली का केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की और वसा की, प्रोटीन और वसा की बनी होती है। यानी कि जंतु कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली पतली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, और कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा की बनी होती है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ दूसरा सेल ऑर्गन है कोशिका द्रव। ये कोशिका द्रव है, यहाँ ये कोशिका द्रव है, इसको हम लोग कह सकते हैं कोशिका द्रव। तो हम लोग कह सकते हैं कि जंतु कोशिका के अंदर पाए जाने वाले चिपचिपे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये कोशिका द्रव रहा, जिसकी खोज जो है, कोशिका द्रव की खोज एक वैज्ञानिक ने किया था, जिस वैज्ञानिक का नाम था डी डुब्बे नामक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका द्रव की खोज हुई थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जंतु कोशिका के अंदर एक प्रकार का चिपचिपा द्रव पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। और ये रहा दोस्तों कोशिका, कोशिका का एक प्रमुख अंग जिसको लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर अगर निकाल करके देखा जाए, लाइसोसोम को बाहर माइक्रोस्कोप से निकाल करके देखा जाए, तो लाइसोसोम की संरचना लगभग ऐसी होती है। और लाइसोसोम का ये वाला भाग थैलीनुमा होता है, लाइसोसोम का ये वाला भाग रसधानी कहलाती है, और इसमें फूड मटेरियल्स होता है। लाइसोसोम अपना भोजन इसी से प्राप्त करता है, और लाइसोसोम का भोजन जब इसमें का खत्म हो जाता है तो लाइसोसोम की ये ऊपर वाली थैली फटती है, जिससे इसमें रहने वाले 2400 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं और इसको जला करके नष्ट कर देते हैं। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला सेल ऑर्गन आप देख सकते हैं, यहाँ हमने दिया है केंद्रक। कोशिका के मध्य भाग को केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक की खोज जो है 1831 ईस्वी में एक वैज्ञानिक किया था, जिस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन नामक केंद्रक की खोज की थी। इसी केंद्रक को अगर काट करके देखा जाए तो केंद्रक के अंदर ऐसी संरचना लगभग पाई जाती है ऐसी, जिसको डीएनए कहते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो है, ये प्रत्येक डीएनए दो व्यक्तियों के बीच भिन्नता उत्पन्न करने का कार्य करता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली मोटी दोरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि केंद्रक के चारों तरफ मोटी दोरी झिल्ली पाई जाती है, जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और फिर यहाँ ये वाला ऑर्गन देख सकते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि केंद्रक के कोशिका के अंदर एक बक्सनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको केंद्रक कहते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल इसी में स्टोर रहते हैं। और जब आदमी रिस्पिरेशन करता है, श्वसन की क्रिया करता है, तो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल इसमें के उपस्थित डाइजेस्टिव फूड मटेरियल टूटते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद से रहा यहाँ दोस्तों गाल्जी उपकरण, गाल्जी बॉडी की खोज या खोज एक वैज्ञानिक किया था, जिस वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गाल्जी। गाल्जी उपकरण नामक यंत्र जो है कोशिका के अंदर बनने वाले कचरे को खाकर कोशिका को बिल्कुल नेट और क्लीन करने का काम करता है, यानी कि कोशिका को साफ रखने का कार्य करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्लांट सेल है, पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका की अपेक्षा बड़ी होती है। पादप कोशिका के चारों ओर जैसे ये वाला संरचना देख सकते हैं, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। यानी पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज यानी कि रेशा। और पादप कोशिका के अंदर जो है लवक पाया जाता है, लवक उपस्थित रहता है। लवक उपस्थित रहने के कारण ही पादप कोशिका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम रहती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पादप कोशिका का केंद्रक जो है बीच में न रह करके किनारे रहता है। यहाँ तो ये केंद्रक रहा, और केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली ये केंद्रक झिल्ली हुई,
और फिर जब पादप कोशिका के अंदर भी एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। और बहुत सारे और ऑर्गेन और इसमें पाए जाते हैं, ये प्रमुख ऑर्गेन होते हैं। तो ये रहा एक संक्षिप्त परिचय एनिमल टिश्यू का, और ये प्लांट टिश्यू का परिचय रहा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।